नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का एटमी इंडिया के वन डे सेमिनार में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एटमी लेके आया है बहुत सारी खुशियाँ एक छोटे से कॉफ़ी सेशे में, और आज इसी कॉफ़ी सेशे के बारे में मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो आपको इस कॉफ़ी को एंजॉय करने में बहुत मदद करेगी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पास कैफ़े अरेबिका, जो कि ब्लैक कॉफ़ी आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, बहुत सारे मेंबर्स, कंज्यूमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उसके बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस किया, और आगे बढ़ते हुए जो हमारा दूसरा कैफ़े अरेबिका मिक्स कॉफ़ी पैकेट है, इसके बेनिफिट्स भी मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ही यूनिक है। इंडिया में अगर आप प्री मिक्स कॉफ़ी सेशे को देखें, तो किसी भी कॉफ़ी सेशे में आपको कॉफ़ी बीन्स की जानकारी नहीं मिलेगी। आप सभी जानते हैं कि हमने कई बार कॉफ़ी के बेनिफिट्स के बारे में बात की, क्योंकि कॉफ़ी में बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, साथ ही साथ हमारे एनर्जी लेवल को फिज़िकल मेंटली काफ़ी ज़्यादा बूस्ट करती है। इसके अलावा ऑर्गन फंक्शनिंग, जैसे कि लिवर फंक्शनिंग में रेगुलर इस्तेमाल से कॉफ़ी कई ज़्यादा मदद करती है, और कई प्रकार के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जिनसे कि एंजाइटी और स्ट्रेस की शिकायत रहती है, उसे कम करने में भी कॉफ़ी के बहुत सारे फ़ायदे देखे गए हैं। ये काफ़ी कम बेनिफिट्स हैं जो मैंने आपको बताए, लेकिन इससे कई ज़्यादा अगर आप कॉफ़ी का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको अलग अलग प्रकार से आपकी बॉडी पे कॉफ़ी बेनिफिट देती है। मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे कंज्यूमर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मेरे साथ शेयर किया कि लगातार कॉफ़ी अरेबिका के इस्तेमाल से ब्लड शुगर लेवल में भी कंट्रोल आया है, और बहुत सारे लोगों को पार्किंसंस और अल्जाइमर्स डिजीज़ में भी कमी देखी गई है। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी दूसरी कॉफ़ी, जिसमें कि आप मिल्क के साथ एक बहुत अच्छे फ्लेवर में इसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें, तो ये कॉफ़ी कैफ़े अरेबिका के बराबर आपको हेल्थ बेनिफिट्स देती है। स्विट्ज़रलैंड की एक रिसर्च में पाया गया कि बहुत सारे लोगों को कॉफ़ी के अलग अलग सैंपल्स दिए गए, जिसमें कि ब्लैक कॉफ़ी, कॉफ़ी विद मिल्क, कॉफ़ी विद शुगर, कम मात्रा में मिल्क या ज़्यादा मात्रा में मिल्क, अलग अलग तरीके से लोगों ने कॉफ़ी को कंज्यूम किया, और 12 घंटों के बाद जब उनकी बॉडी के लेवल को चेक किया गया, तो उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स सेम मात्रा में पाया गया। ऐसा नहीं था कि जिन लोगों ने कॉफ़ी को मिल्क के साथ लिया है, उनके ब्लड सैंपल में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं मिले हों, बल्कि अगर आपको एसिडिटी की शिकायत है या आप ब्लैक कॉफ़ी को उतना एंजॉय नहीं करते हैं, तो हमारी कैफ़े अरेबिका मिक्स को इस्तेमाल करके आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट पा सकते हैं। कैफ़े अरेबिका मिक्स, जो अपने आप में एक यूनिक प्रोडक्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें प्रीमियम बीन्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अरेबिका बीन्स हैं, 100% प्रीमियम बीन्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम ब्राज़ील, और इन्हें मशीन द्वारा कल्टीवेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन्हें हैंड पिक्ड तरीके से इनका एग्रीकल्चर होता है, और इसीलिए ये दूसरे बीन्स, जिन्हें कि रोबस्टा बीन्स के नाम से जाना जाता है, उनसे कई ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। रोबस्टा बीन्स की अगर बात करें, तो लो क्वालिटी के होने के साथ साथ उसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बिटर होता है, लेकिन अरेबिका बीन्स की कॉफ़ी माइल्ड होते हुए भी आपको एक बहुत अच्छा एरोमा, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगी इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सेशे में कॉफ़ी के साथ साथ कैसीन और शुगर भी है, तो इन तीनों प्रोडक्ट्स को जब आप कंबाइन करते हैं, तो एक बहुत अच्छा एरोमा और रिचनेस बाहर आती है। हम अच्छी कॉफ़ी को एक्सपीरियंस करने के लिए किसी कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, या हम बाहर जाके कॉफ़ी को एंजॉय करते हैं अपने लव्ड वंस, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और अगर वही फ्लेवर, या मैं कहूँगी कि उतना ही फ्रेश और उतनी ही हाई क्वालिटी की कॉफ़ी अगर आपको अपने डोर स्टेप में मिलती है, वो भी इतनी रीज़नेबल प्राइस में, जो कि एक कॉफ़ी शॉप की कॉफ़ी से आप कंपेयर नहीं कर सकते, तो मैं ज़रूर मानती हूँ कि एक बार आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब आप इस कॉफ़ी को
ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली वही फ्लेवर जो आप बाहर जाके एक्सपीरियंस करते हैं अपने लव्ड वंस के साथ बिना किसी हैसल के घर पे यूज़ कर पाएंगे। घर पे जब हम कॉफ़ी बनाते हैं तो हमें बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तीन चीज़ें जैसे कि कॉफ़ी, अलग से मिल्क और साथ ही साथ शुगर, गर्म पानी, गैस या स्टोव, इन सभी चीज़ों की एक वक्त पे ज़रूरत होती है जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है और हमारी एनर्जी यूज़ होती है। यहाँ पे इस सैशे की मदद से आप एक प्रीमियम क्वालिटी कॉफ़ी विद मिल्क विद अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स सिर्फ एक गर्म पानी के कप में मिक्स करके बना सकते हैं। बचा हुआ वक्त जो आप रिसोर्सेज को अरेंज करने में लगाते हैं अपने लव्ड वंस के साथ अच्छे से शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ दो तीन बार भी चाहें तो इस कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं कम वक्त में। जैसा कि मैंने आपको अभी कॉफ़ी के बीन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी कि कैसे हमारे बीन्स बाकी की कॉफ़ी जो मार्केट में अवेलेबल है उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं और बहुत ज़्यादा रिच फ्लेवर के साथ आपको एक बहुत अच्छा एरोमा देते हैं, उसके साथ साथ जो कैसीन इस सैशे में अवेलेबल है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। किसी भी और मिक्स सैशे के पाउच में आप मिल्क का सब्स्टिट्यूट, मिल्क पाउडर डाला गया है या क्रीमर डाला गया है, इसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम हमारे कैफ़े अरेबिका मिक्स में कैसीन का इस्तेमाल करते हैं। आप जानना चाहेंगे कि कैसीन क्या होता है, तो जो नॉर्मल मिल्क हम यूज़ करते हैं उसमें दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन 80% तक मिल्क में अवेलेबल होता है और ये एक स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा मसल बिल्डिंग और मसल रिपेयर में हेल्प करता है। इसके साथ साथ अमीनो एसिड की कमी को भी ये हमारी बॉडी में पूरा करता है और प्रोटीन ब्रेक डाउन में मदद करता है। कैसीन का इस्तेमाल इस कॉफ़ी को हेल्थ प्रस्पेक्टिव से और भी इम्पॉर्टेंट बनाता है, क्योंकि अगर आप वर्कआउट करते हैं या आप अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं या फिर आप मसल या जॉइंट पेन्स अगर आपको रहते हैं तो रेगुलर इस कॉफ़ी के इस्तेमाल से आप उन्हें भी ओवरकम कर सकते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि बाकी किसी भी कॉफ़ी सैशे में जहाँ आप प्री मिक्स सैशे अगर अवेल करना चाहते हैं तो इतने सारे फीचर्स के साथ आप किसी एक कॉफ़ी सैशे को नहीं ढूंढ पाएंगे। जितने भी कॉफ़ी लवर्स हैं उनको ये जान के भी खुशी होगी कि ये कॉफ़ी बहुत कम शुगर के साथ बनाई गई है। जो लोग अपनी कॉफ़ी को कम शुगर के साथ एंजॉय करना चाहते हैं वो भी इस सैशे से काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि जब आप इसे ऐड करते हैं तो आपको एक रिच एरोमा कम शुगर के साथ मिलेगा। अगर आप चाहें और आप ज़्यादा शुगर लेते हैं तो आप ऊपर से शुगर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारी शुगर बाकी के सैशे में अवेलेबल शुगर से भी डिफरेंट है क्योंकि ये बहुत जल्दी पानी में घुल जाती है। तो तीनों चीज़ें, प्रीमियम बीन्स का इस्तेमाल, अरेबिका बीन्स का इस्तेमाल इस कॉफ़ी में किया गया है, दूसरा कैसीन का इस्तेमाल, कैसीन जो कि एक प्रोटीन है और हाईली बेनिफिशियल फॉर मसल ग्रोथ एंड बिल्डिंग, तीसरा शुगर जो कि बहुत जल्दी सोल्यूबल है और साथ ही साथ बहुत कम मात्रा में डाली गई है। तो इस कस्टमाइज्ड पैकेट को आप किसी भी वक्त, किसी के भी साथ, किसी भी जगह बहुत कम रिसोर्सेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। और इसीलिए हमने पहले कहा था कि बहुत सारी खुशियाँ एक छोटे से पैकेट में आप तक डिलीवर करने के लिए हमने ये प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है जब आप अपने लव्ड वंस के साथ इस कॉफ़ी को एंजॉय करेंगे तो ये हेल्थ बेनिफिट्स आपको और भी खुश करेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारी कॉफ़ी आप किसी भी फ्लेवर के साथ बना सकते हैं। कई सारे लोगों को मैं जानती हूँ और मैं खुद भी कॉफ़ी को डिफरेंट फ्लेवर्स में पसंद करती हूँ। तो अगर आप सिनेमन पाउडर या चॉकलेट पाउडर या किसी प्रकार के सिरम का इस्तेमाल करके एक डिफरेंट ड्रिंक को बनाना चाहते हैं तो आप हमारे कॉफ़ी के सैशे को यूज़ करके एक बहुत इनोवेटिव ड्रिंक भी अपने लिए तैयार कर सकते हैं। अरेबिका कॉफ़ी बीन्स हर तरीके के फ्लेवर के साथ बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है। अगर इसी कॉफ़ी में रोबस्टा बीन्स का यूज़ किया जाए तो आप अलग अलग फ्लेवर्स में इस कॉफ़ी को डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे।
और आश्चर्य की बात यह है कि अगर आप दूसरी ब्रांड्स की कॉफ़ी को देखेंगे तो उसमें बीन्स की जानकारी को पूरी तरीके से नहीं दिखाया जाता है। बहुत सारी कॉफ़ी में कौन से बीन्स का प्रयोग किया गया है या क्या सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी का डाला गया है, इसमें क्लैरिटी नहीं होती है। लेकिन जब भी आप एटमी कॉफ़ी को लोगों से इंट्रोड्यूस कराएं तो हमारे बीन्स की जानकारी उन्हें देना ना भूलें। वैसे तो हम लोगों को एक साथ लाने में, इन्जॉय करने में और नए लोगों के साथ बातचीत करते वक्त इस ड्रिंक का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन हेल्थ बेनिफिट्स को देखते हुए अगर अभी तक आप कॉफ़ी के रेगुलर यूज़ को नहीं अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना पाए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हेल्थ बेनिफिट्स के लिए ही कॉफ़ी से शुरुआत करें। एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगी कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस अगर आपकी लाइफस्टाइल में है तो कॉफ़ी का रेगुलर यूज़ इसे कम कर सकता है। किसी भी वक्त, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग या इवन नाइट में अगर आपको अलर्टनेस की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, हाई फोकस वर्क अगर आप करने वाले हैं तो कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप हमारे अरेबिका मिक्स कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो साथ में कोई स्नैक या ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप और अधिक जानकारी इस प्रोडक्ट के बारे में चाहते हैं या फिर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारी प्रोडक्ट ट्रेनिंग से भी जुड़ सकते हैं और अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगली बार हम मिलते हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।